अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों। अरे कट करो, ये तो मजाक था। मेन वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ फिर से वापस, जो है अनबॉक्सिंग की। जी हाँ, चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग शुरू। ये हमें चूहा तो नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ पे अंदर देखिए गत्ता भरा हुआ है। ये देखिए कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है हमें, जल्दी से खोलते हैं। तो दोस्तों आज ये है बोया का माइक। अरे रुकिए, बोया का माइक का रिव्यू देख लिया आपने, माना देख लिया, लेकिन ये है बोया का डबल कॉलर माइक, यानी कि कनेक्टर एक होगा, माइक दो लोग, यानी कि जैसे पॉडकास्ट वगैरह जो भी करते हैं, इंटरव्यू या कुछ भी है, तो उसमें दो लोग होंगे, तो एक माइक नहीं बल्कि दो इसमें माइक होंगे, तो दो लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है, अब तो देख लो यार। दोस्तों ये है बोया का BY-M1DM डुअल माइक। आइए चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग छोटी मोटी। स्टीकर, फालतू की बुक, वैसे इतनी बुक पढ़ने को ये क्या पढ़ेंगे यार। दोस्तों ये है बोया का माइक, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो बोया का वो भी माइक है, वो लेकिन सिंगल वाला है, तो ये है डबल वाला। इसको फटाफट जो है इसको करते हैं ज्वाइन, और उसके बाद आपको इससे बोल के दिखाते हैं। दो ट्रांसमीटर है इसमें, ये 6.5 3.mm एम्पलीफायर के लिए। दोस्तों देखिए जैसे कि एक ये माइक मेरे पास लगा है, एक शिबू भाई के पास लगा है, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं और शिबू भाई वहाँ पे बोलेंगे, बोलिए शिबू भाई कुछ बोलिए, कुछ गा के सुना दिया है। हमारी ऑडियंस बेदार, मुंह मत खुलवाइए, हमारा ऑडियंस बेदार है आपको सुनने के लिए, कुछ सुनाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्या सुना दें। रमजान मुबारक हमें छोड़कर जा रहा है जी, अलविदा कह रहा है, न जाने हमें जिंदगी में दोबारा रमजान मुबारक मिले या न मिले। बेदार साहब, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, आप बयान ना करिए यहाँ पे आपसे, फिर ये माइक हमने स्पेशल पॉडकास्ट के लिए मंगाया है, तो आपको पॉडकास्ट में बाकायदा बैठा लेंगे और आपसे गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पे जो आपने नगमा भी लिखा है वो सुना दिए, उसके दो अशार सुना दिए। अब कल्ब आशिक है अब पारा पारा, अलवदा माहे रमजान। आप सुन रहे होंगे शिव भाई की हमारी आवाज़ और कलाम, तो ये माइक का डिस्टेंस थोड़ा सा है, मतलब यहाँ पे एक मीटर का लगभग डिस्टेंस होगा बैठे हैं यहाँ पे, तो ये जो कलाम सुनना है इसलिए क्योंकि ये रमज़ान की शूटिंग है और रमज़ान ख़त्म होने वाला है, मतलब जाने वाला है। वी आर सैड बट वी आर हैप्पी फॉर ईद कोर्स। तो दोस्तों ये माइक आपको कैसा लगा, अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, एक ये है, एक ये मेरे कॉलर पे लगा है, ये देखिए। आप बताइए इसमें कैसी आवाज़ है, इसमें बताइए कैसी आवाज़ है, तो दोस्तों बताइए आप कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। और बाकी हम इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप बने रहिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और इसी के साथ हम आपकी वीडियो को खत्म